नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत बहीन स्थित स्कूल है टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल बहीन और जिला पलवल है। इसमें हम रियलिटी चेक के दौरान दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या क्लासेज यहाँ पर लगाई जा रही है, इन सब विस्तार से चर्चा करेंगे जी। अच्छा, सैनिटाइज करना पड़ेगा? हाँ जी। डेली कराते हो या हमें देख के आज करा रहे हैं? कराते हैं डेली। चलो ठीक है, चलिए अंदर क्लासेज में चलते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहे। लाइव सिर्फ प्रोग्राम आपको दिखाने का मकसद सिर्फ एक यही है कि जिससे कि आप सबको ये पता चल सके कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है नहीं, और अगर सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या किसी अन्य तरीके से। चलिए देखते हैं। सर क्लासेस कहाँ हैं? 9th 10th सामने है क्या? बच्चों कौन सी क्लास है? बैठ जाइए। आप लोग डेली इस तरीके से बैठते हैं? पहले तो आप सभी इधर, आप सभी बताएं, डेली इसी तरीके से बैठते हैं? आज हमारी वजह से बैठे हो? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे ना? कहीं स्कूल वालों ने आपको समझा दिया होगा इस तरीके से बैठ जाओ आप लोग? तो बेटा आप खड़े हो जाओ, मास्क नीचे कर लीजिए। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज परवीन। बेटा आप ये बताओ, स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर से पढ़ना ठीक है? ऑनलाइन जैसे पढ़े होंगे ना आप घर पे भी? घर से पढ़ना ठीक है। घर से पढ़ना ठीक है क्यों? स्कूल से पढ़ना ठीक है सर। स्कूल से पढ़ना ठीक है क्यों, बताओ, दोनों बातें बताओ। क्योंकि घर से अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। घर से अच्छी पढ़ाई नहीं। चलो ठीक। और कौन बच्चा बताएगा? आप बताओगे? खड़े हो जाओ, आप देख रहे हो मेरी तरफ घूर घूर के। आपसे पूछते हैं, बताओ क्या नाम आपका? प्रेम सिंह। बेटा कैसे पढ़ना ठीक है, घर से या स्कूल से? स्कूल से। क्यों? स्कूल पे अच्छी पढ़ाई हो पाती है, घर पे नहीं हो पाती इतनी अच्छी। और कोई बच्चा बताएगा क्यों ठीक है स्कूल में पढ़ना? कोई बच्चा बताए? हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, घर पे रहे हो आप लोग? बताओ नाम बताओ पहले। पिंकी। बताओ बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है क्योंकि घर पे टीचर भी नहीं होते और हम अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं कर पाते, स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई कर पाते टीचरों के। वेरी गुड, ये लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, आप लोग कर क्या रहे हो आज? टेस्ट कर रहे हो। कौन सी क्लास का? सब्जेक्ट SST। चलो ठीक है, आप आ जाइए मैडम, एक बार इधर आ जाइए, मास्क नीचे करिए। अपने परिचय, अपना परिचय बताइए पहले तो, हम किनसे बात कर रहे हैं? मेरा नाम मधु रावत है जी, और मैं जो है टैगोर पब्लिक स्कूल बहीन इसकी जो है संचालिका हूँ। मैडम एक तो आप ये बताएं, हम परमिशन के साथ आपके पास आए हैं ना, आपसे परमिशन लिए तभी अंदर आए या नहीं? पहले तो सर बिल्कुल परमिशन के साथ आप यहाँ आए, क्यों? ज़्यादातर स्कूल संचालक ये कह देते हैं कि मीडिया वाले बिना वजह परेशान करने के लिए आ जाते हैं हमें, तो आप ये जरूर स्कूल संचालकों को बताएं और दर्शकों को बताएं, और अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो वो भी आप सुने जरूर। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जो है परमिशन के साथ यहाँ आए हैं और आपने जो है प्रॉपर तरीके से जो है बात करके हमसे कॉल करके आप यहाँ पे आए, परेशानी हमें कोई नहीं है आपके आने से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और आप बताएं, किस तरीके से आप स्कूल में क्लासेज लगाने का कार्य करें, मतलब कि कौन कौन सी क्लासेज लगाई जा रही हैं और कौन कौन सी एहतियात आप लोग बरत रहे हैं, सावधानी कौन सी बरत रहे हैं? जो सर इस कोरोना काल में जितनी भी एहतियात बरतनी चाहिए एक स्कूल को, जो भी जो है कंडीशंस हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे हम बरत रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के अनुसार 9वीं से 12वीं क्लासेस होनी चाहिए, वही हमारे पास हैं। इसके अलावा जब बच्चे एंट्री करते हैं तो उनका टेम्परेचर भी चेक होता है, फुल्ली सैनिटाइज करने के बाद ही हम लोग उनको एंट्री करने देते हैं। मास्क भी कंपलसरी है, चाहे टीचर्स हों स्टूडेंट हो, अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस मास्क जो है किसी वजह से नहीं जो है लगा के आता है तो उसको जो है एंट्री हम लोग नहीं करने देते। हाँ, उसके अलावा जो यहाँ भी आप देख ही रहे हैं एक बेंच पे एक बच्चा ही आपको मिलेगा। ये मतलब ऐसा तो नहीं कि आज हमारी वजह से आप लोगों ने बिठा दिया? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, कोरोना है, हमें भी डर लगता है उससे जी। हाँ, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से? सर बिल्कुल अपील करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट चलो कोशिश कर रही है वो कि 6th से जो है 8th तक बच्चों को भेजा जाए, 6th की बजाय अगर वो 5th क्लास को और ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मैडम अभिभावक से कोई अपील करना चाहेंगे? सर बिल्कुल अभिभावकों से तो जो है यही अपील है कि वो प्रॉपर जो फीस है हमारी वो टाइम पे अगर भर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है ये सुचारू रूप से चल पाएगा। इसके अलावा जो है बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। अच्छा मैडम, समस्याएं क्या आती हैं आप लोगों, मतलब कि कई जगह देखा है कि स्कूल संचालक 4-4, 5-5 जिलों के इकट्ठे होकर के DC शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हैं कि हमें ये छूट दी जाए, आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप स्कूल चला रहे हैं अपना।
सर समस्याएं तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को ज्यादा आती हैं बजाय शहरी उसके। रियायत क्या चाहिए सर? हमें गवर्नमेंट से तो यही रियायतें चाहिए कि कोरोना काल में जो थोड़े से टैक्सेस जो हैं वो हमारे कम कर दिए जाएं, जैसे कि बिजली का बिल है यहाँ अगर ये हमारा कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो हमें सहूलियत मिल जाएगी जी। इसके अलावा जो हमारी बसेज हैं तो उसमें भी अगर कुछ सहूलियत कुछ रियायत गवर्नमेंट के द्वारा कर दी जाए तो हमें बड़ा सहयोग मिलेगा, उस चीज से हम अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। किसी और क्लास में चल सकते हैं आपके? जी आप बताएं कौन सी क्लास में चलें जी। आप जुड़े रहें और लाइव कार्यक्रम है जी। ये कौन सी क्लास है जी? लाइव आप लोग सभी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। लाइव कार्यक्रम आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है। टैगोर पब्लिक स्कूल है, ग्राम पंचायत बहीन में, और जिला पलवल पड़ता है। यहाँ पर सभी बच्चों को आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि सभी बच्चे, वैसे तो हम एंट्री किए तो बच्चे खड़े हो गए, सामाजिक तौर पर नैतिकता के तौर पर अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों सभी बताएं, आप रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं या आज हमारी वजह से बिठाया गया आपको? हमारी वजह से बिठाया गया है। अच्छा चलिए ठीक है कोई नहीं। अच्छा बेटा आप बताओ, मास्क नीचे करिए बेटा। स्कूल में पढ़ना ठीक है घर से? आप बैठ गए सभी। घर से पढ़ना ठीक है, स्कूल में पढ़ना ठीक है? स्कूल में पढ़ना। चलिए और कौन बच्चा बताएगा? आप बताओगे? बताओ बेटा क्यों ठीक है, मास्क नीचे कर लीजिए। सर क्योंकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। और कौन बच्चा बताएगा? कोई है? नहीं बताएगा? सारे बच्चे पढ़ने में व्यस्त है। अच्छा आप नहीं व्यस्त पढ़ने में? अगर घर हम पढ़ते तो हमारे। नाम बताओ पहले तो। नाम प्रशांत। इधर देखो बेटा प्रशांत, बताओ क्यों स्कूल में ठीक है पढ़ना? क्योंकि घर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कोई सवाल हमें समझ में नहीं आता तो हम टीचर से अच्छी तरह से पूछ भी लेते हैं, और अगर हम घर होते हैं तो वो पूछा नहीं जाता, स्कूल में तो हम आराम से हेल्प भी हो जाती है अच्छे से। ठीक है और कोई बच्चा? और कोई बच्चा आपके पास आते हैं? बेटा एक मिनट आप इधर साइड हो जाए थोड़ा सा, चेहरा जो देखो। मैं ना मिस धीरा, हम स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ सकते, घर में अच्छे से नहीं पढ़ सकते। स्कूल में अगर हमको कोई सॉल्यूशन हो तो हम टीचर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाई, घर पे पढ़ाई समझ नहीं आती, फ़ोनों से जो पढ़ाया जाता है वो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए आपने सुना, छोटे छोटे बच्चे हैं 9th और 10th क्लास के बच्चे, इन्होंने बताया कि घर पर कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रामीण क्षेत्र में, नेटवर्क पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आता। दूसरा घरों में फ़ोन सुविधा सभी के घरों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर एक घर में दो बच्चे तो ज़्यादातर सभी घरों में एक फ़ोन होता है। और आप सभी ये लाइव कार्यक्रम है आप सभी देखते रहे, आपके नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, किसी भी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। और स्कूल संचालक, खासकर मैं स्कूल संचालकों से अपील करना चाहूँगा, आप सभी ये कार्यक्रम देखिए कि कई बार स्कूल संचालक जाने अनजाने में कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं। वो कैसे कि 6th क्लास अगर जो कोरोना काल के दौरान शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उसके तहत ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं कि मनमर्जी से कई कम छोटे उम्र के बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, ऐसा ना करें, उनसे भी एक अपील है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी इनकी बिल्डिंग्स वगैरह को दिखाएं कि किस तरीके से स्कूल है और कौन कौन सी क्लासेस लगाई जा रही हैं। अच्छा सर आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले तो। मैसेल्फ नवनीत प्रसाद जी, एज ए एडवाइजर। अच्छा एडवाइजर आप? हाँ, एजुकेशन एडवाइजर है, स्कूल के एडवाइजर है? एजुकेशन, एजुकेशन एडवाइजर है। मैंने कहीं स्कूल के तो ऑनर ही होते हैं सर। अच्छा। वो अपनी व्यवस्था अपने आप रखते हैं। अच्छा। मेरा तो यहाँ बस पढ़ने पढ़ाने से संबंध है। अच्छा सर आपसे बात करें कि कोरोना काल में शिक्षा को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, शॉर्ट में 30 सेकंड के अंदर? सर कोरोना का अगर ये है कि सुधारने के, छोटे बच्चों के लिए मोबाइल किसी तो होती नहीं है व्यवस्था, तो उसके लिए या तो अगर गवर्नमेंट कोई करे या ऑनर अपनी तरफ से कोई व्यवस्था कर दे, पर ये ऑनर के लिए तो मुश्किल है जी। इसलिए अब कोरोना काल, वैसे इस पीरियड में तो कोरोना की ऐसी मतलब कोई परेशानी है नहीं हमारे इलाके में, तो है नहीं, जहाँ होगी वहाँ होगी, इसलिए हमारी तो यही
एक विनती है सरकार से भी कि अब इसको विद्यालय को खोल ही दिया जाए, जिससे बच्चे घर पर पूरा टाइम दे नहीं पाते, मोबाइल की सुविधा होती नहीं, माँ बाप का कंट्रोल भी इतना नहीं मानते हैं बच्चे जितना टीचर्स का होता है। अब पूरी साल निकलने को जा रही है, इसलिए अब अगर व्यवस्था हो सके तो गवर्नमेंट को यही है कि बच्चों को विद्यालय आने। नाम सर दोबारा से? नवनीत प्रसाद। नवनीत प्रसाद है हमारे साथ। इन्होंने कहा अनुशासन ही कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ाने का कार्य करता है, जो कि स्कूलों में ही अनुशासन देखने को मिल सकता है, घर पर अनुशासन बच्चे का नहीं बन पाता है। ये सही बात है, क्योंकि बच्चे तो हम सभी के भी हैं, और कहीं ना कहीं मैं इस बात से व्यक्तिगत तौर पर कम से कम मैं सहमत हूँ कि घर पर बच्चे नहीं पढ़ पाते। ऐसे मजबूत तरीके से कुछ नियम बनाए जिससे कि, और निगरानी जरूर हो कई स्कूलों में ऐसा देखने को मिला। खासकर हमने भी कई स्टोरी ऐसी चलाई कि जो स्कूल छठी क्लास में अभी भी लगा रहे थे, और हमने वो DO शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा वो हमने उस पर कार्रवाई भी करवाई। और मैं चाहूँगा आप सभी ये कार्यक्रम शेयर जरूर करें, धन्यवाद। आगे आप बाहर जा करके वो बिल्डिंग वगैरह जरूर दिखा दें। दिखा रहा हूँ।